यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले जीके और जीएस के उन क्वेश्चंस के बारे में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 4 मार्च 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर इन अकबर कोर्ट, यानी कि जो महाराजा अकबर थे उनके दरबार के अंदर राजस्व मंत्री कौन था? तो यह था टोडरमल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है? तो ऑप्शंस के अनुसार आपको जाना था। तो ऑप्शन में था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वेन वर्ल्ड टाइगर डे इज ऑब्जर्व, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। विच प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन, भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राजीव गांधी खेल रत्न 2018 वाज गिवन टू, यानी कि 2018 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था किनको दिया गया था? ये दिया गया था विराट कोहली को। नॉन कोऑपरेशन वाज फ्रॉम विच ईयर टू विच, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, जो असहयोग आंदोलन चला था, वो किस साल से लेकर किस साल तक चला था? तो ये चला था 1920 से लेकर 1922 तक। डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। राइट ऑफ लिविंग इज इन विच आर्टिकल, यानी कि जो जीने का अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंदर है भारतीय संविधान के? तो ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। इंसेक्ट रेस्पायर्स थ्रो, यानी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं? तो सांस लेते हैं ट्रैकिया से। द्रोणाचार्य अवार्ड इन टेबल टेनिस 2018 गिवन टू, 2018 में टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिला था? ये मिला था श्रीनिवास राव को। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू GST इज बाय विच फील्ड, तो जो GST के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज्यादा GST आता है, वो किस फील्ड से आता है? आता है ट्रेसरी फील्ड से। M.K. गांधी प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के कहाँ के सेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आइडिया पेश किया था? ये क्या था? कलकत्ता सेशन में। कलर ऑफ फ्लैग ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के दौरान ध्वज का रंग क्या था? तो ये था लाल पीला और हरा, लाल पीला और हरा। बंगाल के जब विभाजन हो रहा था उसमें ध्वज का रंग था लाल पीला और हरा। विच इज नॉट एन एजुकेशनल वेबसाइट, आपको वेबसाइट्स गिवन थी जैसे कि NCERT.com, SBI.com, IGNOU.com, NIOS.com, तो इनमें से आपको बताना था कि कौन सी जो वेबसाइट है वो एजुकेशनल वेबसाइट नहीं है। तो SBI.com एक बैंकिंग वेबसाइट है, ना कि एजुकेशनल वेबसाइट। फ्रीडम इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो इक्वालिटी का, समानता का अधिकार है, तो और ये जो लिए गए हैं भारतीय संविधान में किस देश की कंट्री के से लिए गए हैं संविधान से? तो लिए गए फ्रांस के संविधान से। सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र इज रिलेटेड टू, सर्विस सेक्टर किस चीज से रिलेटेड है? टर्सरी फील्ड है, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि अलग अलग भूआकृतियों के स्टडी को, पढ़ाई को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। वैन बंदा बहादुर वाज मर्डर, बंदा बहादुर को कब मारा गया था? मारा गया 1716 में। लोगो ऑफ एयर इंडिया कंटेन्स, तो एयर इंडिया का लोगो है उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर स्वैन है और कोणार्क व्हील, यानी कि हंस और कोणार्क का पहिया है, कोणार्क चक्र बोल सकते हैं आप। वैन टिस्को वाज फाउंडेड, टिस्को की स्थापना कब हुई? यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1907 में। विच मिसाइल इज नॉट रिलेटेड टू सरफेस, आपको ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से आपको बताना था कौन सी मिसाइल जो सरफेस से रिलेटेड नहीं है, अग्नि, आकाश, धनुष, पृथ्वी, तो इसका आंसर आया था आकाश। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेमाटाइट आयरन इन इंडिया इज इन, यानी कि भारत के अंदर किस राज्य के अंदर मैक्सिमम मात्रा में हेमाटाइट आयरन पाया जाता है? पाया जाता है उड़ीसा के अंदर। तो ये कुछ जीएस और जीके क्वेश्चन थे जो RRB NTPC के एग्जाम में 4 मार्च 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।